गार्डनिंग इज माई पैशन चंगुन में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हो, ये जटरोफा का पौधा है। ये बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही इसमें सुंदर फूल भरे रहते हैं। तो अभी चल रहा है सितंबर का महीना। आज हम ऐसा आपको एक उपाय बताएंगे, दो से तीन टिप्स बताएंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो सितंबर महीने में या कभी भी आप करोगे तो ये फूलों से बहुत अच्छे से भर जाएगा। नंबर एक, तो ये पौधा बीज से और कलम से दोनों जगह से लगाया जाता है। अच्छा, एक घेंटी इसमें ये लगी हुई है, अगर इसको फोड़ेंगे ये पक जाती है, इसमें बीज निकलता है, तो उससे भी ये पौधा बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और आप चाहो तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ये लगाई जा सकती है, कटिंग से भी ये पौधा बनाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा पौधा भी हो जाता है, लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, इसमें बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। तो ये पौधा कहीं भी होना चाहिए तो खुली धूप में होना चाहिए। खुली धूप में बहुत अच्छे से फूल देता रहता है और बहुत सुंदर सुंदर निकलती रहती हैं और कलियाँ भी निकलती रहती हैं, फूल भी निकलते रहते हैं, आप देख सकते हो। आप अगर पौधा लगा हुआ है, बहुत समय हो गया फूल नहीं दे रहा है और पौधा बढ़ता जा रहा है, या गमले में या ज़मीन में दोनों जगह कहीं भी लगा है, तो आप सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी आप इसमें गोबर की बहुत पुरानी, एक से दो साल पुरानी खाद इसमें यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से गुड़ाई करोगे इसकी जड़ों में, इसमें बहुत अच्छे से गुड़ाई करके चारों तरफ अगर इसमें आप गोबर की खाद भर दोगे तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद बहुत अच्छे से फूल आने लगेंगे और पौधा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हेल्थी हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा। गोबर की खाद बहुत फ़ायदेमंद करती है इसमें, जिससे बहुत जल्दी फूल आते हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये कम पानी में ही बहुत अच्छे से ये चलता रहता है और फूल भी ये भर भर के हमेशा देता रहता है। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें और इसकी गुड़ाई समय समय पर करते रहें, 10 से 12 दिन में इसकी गुड़ाई कर दें, तो उसके नीचे जो मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी तो उसको ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता रहेगा और मिट्टी ऊपर के नीचे बदलती रहनी चाहिए, तो जिससे पौधे में बहुत ताकत मिलती है और अच्छा पौधा रहता है। सबसे बढ़िया इसमें गोबर की खाद है, गोबर की खाद डालते ही ये पौधा फूलों से भर जाएगा।